C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सुल्तानपुर की एयर स्ट्रिप पर उतरेंगे। उनके साथ 30-35 लोग भी मौजूद होंगे। यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को मेगा शो बनाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक्सप्रेसवे की तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर मंगलवार को एक के बाद एक 5 फाइटर जेट्स उतरने जा रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद ये बड़ा मौका होगा। तो साथ ही आसमान में तिरंगे का नजारा भी दिखेगा। सुल्तानपुर के पास होने वाले समारोह में दोपहर 1:20 से 3:45 तक भारत की कैसी वायु शक्ति दिखेगी, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के आसमान पर भारतीय वायुसेना के 5 फाइटर गरजेंगे और एक सड़क की सामरिक ताकत का एहसास कराएंगे, तो ये मौका खास होगा। सूत्रों के मुताबिक इस इवेंट को बड़ा बनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री को एक फाइटर जेट से वेन्यू तक लाने का फैसला किया गया है। C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से प्रधानमंत्री सुल्तानपुर की एयर स्ट्रिप पर उतरेंगे और उनके साथ करीब 35 लोग होंगे। रण क्षेत्र में मोर्चा संभाल रहे जवानों के लिए सुपर हरक्यूलिस विमान संजीवनी का काम करते हैं। ये वो अमेरिकी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जो कठिन से कठिन रण क्षेत्र में भी जवानों तक रसद पहुंचाते हैं और इसी एयरक्राफ्ट से पीएम अपनी टीम के साथ वेन्यू पर पहुंचेंगे। 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के करीब 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जिस पर सबसे पहले मिराज 2000 फाइटर उतरेगा। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से मिराज फाइटर को TRS यानी टर्न राउंड सर्विसिंग दी जाएगी और उसे अगले मिशन के लिए रवाना कर दिया जाएगा। मिराज 2000 से एयर स्ट्रिप का श्रीगणेश कराए जाने के बाद AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतारा जाएगा। इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में मोर्चे पर सेना के काम आने वाला ऑल टेरेन व्हीकल भी होगा, लेकिन ये टचडाउन करते ही उड़ान भर लेगा। सूत्रों के मुताबिक सुल्तानपुर के आसमान में फ्लाईपास्ट के वक्त 5 फाइटर गरजेंगे, जिनमें से एक होगा मिराज 2000, तो उसके साथ में होंगे 2 सुखोई 30 MKI और 2 जगुआर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।